प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नेक्स्ट डे अगले दिन हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में बताएंगे और आज का जो विषय है वाईसी है, टॉपिक वीओवाईसी वायस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहले मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मींस होता क्या है, किस प्रकार के वाक्य आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है सतत वर्तमान काल, इससे वर्तमान समय में कार्य के जारी रहने का बोध होता है। इसमें कार्य कंटिन्यू बना रहता है, कार्य के रुकावट होने का बोध नहीं होता, कार्य के फिनिश होने का बोध नहीं होता है, कार्य के जारी रहने का होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसकी हिंदी है सतत वर्तमान काल, मीन्स होता है इससे कार्य के जारी रहने का बोध होता है, इससे कार्य के डिप्रेशन, इससे कार्य के जारी रहने का बोध होता है, इससे कार्य के जारी रहने का बोध होता है। हेल्पिंग वर्ब इसकी है सहायक क्रिया, ये परिभाषा हो गई। डिप्रेशन हो गई और ये हेल्पिंग वर्ब GLPING VERB इसकी सहायक क्रिया है HAND R और बात क्या है आगे, इसमें मुख्य क्रिया में ING जुड़ता है, मुख्य क्रिया में क्या लगाते हैं ING। ये समान परिचर्चा हमने आप लोगों से दी जिससे आप भ्रमित न हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम रही बात रूल ऑफ रेगुलेशन की, इसके नियम, इसके स्ट्रक्चर क्या है, इसका प्रारूप क्या है, इसका परमिट क्या है, हम आपको बताने जा रहे हैं। नंबर फर्स्ट फॉर्मेटिव पैटर्न में क्या होगा, AWR IR PI अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENCE साधारण बात, अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक। इसके स्ट्रक्चर है STRUCTURE एडी पैटर्न पे, सब्जेक्ट प्लस इज आब्लिकेन आब्लिकार प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING इन होता है वर्ब में प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स पैसिव कॉम्प्लीमेंटरी। पीवी पैटर्न पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज आब्लिकेन अधिकार। इसमें बीन होता है वॉइस पे कंटिन्यूस वाले जो भी अपन फिर से वॉइस बनाएंगे तो बीन गेट करेंगे BEING निश्चित तौर पर मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्ट प्लस ही आप लिखा है अधिकार प्लस बीन प्लस थर्ड पावर प्लस आई प्लस ये इसका स्ट्रक्चर है। अब जो है नियम रूल बता दिया हमने, सुभाष करिएगा बनाए, अब इसके हम रिलेटेड व्याख्या देने जा रहे हैं। जाफिर है और जाफिर नंबर फर्स्ट है आई एम
टी क्या है, आई एम टेकिंग टी, यही पैटर्न पे है, मैं चाय ले रहा हूं, आई एम टेकिंग टी, मैं चाय ले रहा हूं, इसमें आई सब्जेक्ट है, एम आपके हेल्पिंग वर्ब है, टेक मेन वर्ब है और टी है ऑब्जेक्ट। इस टी को जलाएंगे तो टी इधर आएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या वस्तु चेंज हो जाती है, नहीं, टी को इधर लाएंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, टी रहेगा वाटर हो जाएगा, नहीं होगा, तो टी एक और बताया पहले ऑब्जेक्ट के रूप में टी आ गया, हेल्प नंबर के रूप में आ गया टी के हिसाब से, और इसके बाद पर्टिकुलर का वाक्य तो बीइंग एड होगा, बी ई आई एन टी, तो टी मींस और अपन टेक का अर्थ हम देंगे। देखिए पैटर्न के लिए हर बच्चे को थर्ड फॉर्म का वर्ब लर्न करना चाहिए, मस्त है। क्रिया के रूप यदि आपसे नहीं आते हैं तो आप वाइस जो है तो उसको नहीं कर सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो टी बीन के टू टेकन, टी ए के ई एन टेकन बाई, और आई को हलाएंगे वाई का हो जाएगा, इसमें इसका सेंस निकला है ये टेकिंग टी, मैं चाय ले रहा हूं, इसका सेंस है टी इज बीइंग टेकन बाय मी, चाय ली जा रही है मेरे द्वारा। ये सुनते ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं आपको दूसरा एग्जांपल देने जा रहा हूं। सेकंड है रवि प्ले क्रिकेट, सी आर आई सी के टी, ये तो बन जाएगा। तो जब क्रिकेट शब्द आ गया तो बच्चों का इंटरेस्ट कुछ अलग हो जाता है। रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, रवि इज प्लेइंग, रवि क्या कर रहा है, क्रिकेट खेला है, इसमें रवि क्या हो गया सब्जेक्ट, क्रिया हो गया हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग हो गया मेन वर्ब और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। क्रिकेट को लगाइए क्रिकेट की रहेगा क्वालिटी हो जाएगा, या बैडमिंटन लो या हॉकी लो, तो क्रिकेट इधर लाएंगे, क्रिकेट सी आर आई सी के क्रिकेट शब्द के दो वर्ब होते हैं, एक क्रिकेट का और फिर गेम है सेकंड इंसेक्ट, एक खेल और दूसरा कीड़ा झेंगुर उसको कहते हैं, तो क्रिकेट इज बीइंग बी ई आई एन डी, क्रिकेट इज बीइंग और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा पी एल ए वाई डी, हो गया तो विकेट इज बीइंग प्लेड बाई, और रवि इधर आएगा तो रवि किसी व्यक्ति का नाम है, इधर रवि होगा जैसे सोहन नहीं हुआ रवि रहेगा, तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई रवि, रवि क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है रवि के द्वारा। ये दो एग्जांपल हमने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के तहत वाइस बताया, ये भी पैटर्न की स्ट्रक्चर क्या होती है, पीपी की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसका रूल और एग्जांपल हमने आपको दिया। अब इसी से रिलेटेड नेगेटिव पैटर्न पे आएंगे।